तो 30 अगस्त को जो हिस्टोरिक डे था हमारा, लैंडिंग ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, सो विच पुट, जिसने भारत को, इंडिया इज ऑन मून ऐसे जो कहा जाता है कि भारत को मून पे पहुंचा दिया, और पूरे देश में जो एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। तो उसके बाद के जो इवेंट है उसमें, जैसा कि हमारे 3 मुख्य उद्देश्य थे ये चंद्रयान 3 मिशन के, तो एक तो था सॉफ्ट लैंडिंग, वो तो उसी दिन 23 अगस्त को हमने देख लिया। उसके बाद 4 साढ़े 4 घंटे बाद जब रोवर प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकल के चंद्र की सतह पर घूमने लगा, तो वो हमारा दूसरा उद्देश्य था कि रोवर को एक्टिवेट करना और उसको चंद्र की सतह पर घुमाना। और उसके बाद तीसरा जो मुख्य उद्देश्य था कि उसके बाद जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना, जो वैज्ञानिक परीक्षण हमको करने थे, तो वो तीसरा परीक्षण, तीसरा जो हमारा उद्देश्य था उसकी पूर्ति के लिए जो पिछले 10-11 दिन से हम कार्यरत थे हमारे वैज्ञानिक, तो उसमें भी काफ़ी सफलता मिली है। तो कुल तरह से ये मिशन बहुत ही अधिक रूप से सफल रहा है। जो हमारे 3 मुख्य उद्देश्य थे वो पूरे कर लिए गए हैं, और अभी उसका जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस विश्लेषण और वैज्ञानिक तौर पे उसका अन्य कुछ उसके जो परिमाण निकल सकते हैं, तो उसके बारे में तो कार्य चलता रहेगा अभी। तो ये तो डेटा कलेक्शन की शुरुआत थी, और उसके बाद जो जहाँ जितना हमको हम डेटा कलेक्ट कर पाए वो सब करने का प्रयास किया गया इन दिनों में। और 3 सितंबर यानी कि कल शाम को अभी पूरा मिशन जो हमने उसके जो 3 मुख्य उद्देश्य वो पूर्ण करते हुए, तो हाल में तो उसमें उसको विराम दिया है, और उसके बाद 14 दिनों की जो भयानक रात्रि वहाँ होती है तो वो शुरू हो गई है। तो उसको देखते हुए बाद में हम 14 दिनों बाद, जब पृथ्वी के जो 14 दिनों बाद हम देखेंगे कि उसमें से कुछ और हम हासिल कर पाते हैं कि नहीं, उसको रिवाइव करके जितना हो सके और भी प्रशिक्षण अगर कर पाए तो वो हमारे लिए जो वो बोनस होगा जिसको कहा जाएगा, तो उसकी प्रतीक्षा करें। अभी तो यही कार्य रहा है, और बाकी जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसका परीक्षण संशोधन जो भी करना है उस पर आगे कुछ अगर हम उसका विश्लेषण करके कुछ नए परिमाण निकाल पाए, कुछ नए उद्देश्य उसमें से बाहर आए, तो उसके लिए अभी हमारे वैज्ञानिक कार्यरत रहेंगे। तो ये अभी तक का मुख्य उसका विवरण है इन जो 3ों जो हमारे मुख्य उद्देश्यों के साथ हमने मिशन शुरू किया था। तो बहुत अधिक मात्रा में ये मिशन सफल रहा है, और इसके लिए जो भी मेहनत जिन जिन लोगों ने की, इसरो के वैज्ञानिकों ने की तो की ही थी, पर साथ में हमारे करोड़ों भारतवासियों की जो शुभेच्छाएं थी और शुभकामनाएं थी वो सब भी हमको काम में आई, और इस ये मिशन पूरी तरह से हमारे देश का नाम एक गौरवपूर्ण इतिहास रचने में सफल हो पाया है, तो इसका हम सबको बहुत खुशी है उसकी। सर, खास करके इसरो के बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहा है अभी, आदित्य L1 भी सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, साथ साथ सर बाकी इस प्रोजेक्ट जैसे कि गगनयान भी है पाइपलाइन में, तो सर क्या स्टेटस है वो सारे प्रोजेक्ट्स का और कब तक इसकी जानकारी लोगों को मिलने की संभावना है? तो इसरो के हम, जैसा कि आपको पता ही है कि इसरो एक कोई मिशन पे कार्य नहीं करता है, अलग अलग तरह के, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य सामान्य आदमी और कॉमन मैन इन सोसाइटी। जो विक्रम साराभाई ने जो हमको प्रण दिया था कि जो इस उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना हुई थी कि हम अंतरिक्ष जो संशोधन है उसका उपयोग हम सामान्य आदमी के लिए करेंगे, तो उसके वो उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के मिशन हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, नेविगेशन है, उसके साथ रिमोट सेंसिंग, उसमें रिमोट सेंसिंग में भी रडार बेस्ड रिमोट सेंसिंग है, फिर ऑप्टिकल कैमरा बेस्ड रिमोट सेंसिंग है, और उसके साथ साथ चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान जैसे जो प्लेनेटरी मिशंस है, और साथ में स्पेस साइंस के मिशन। तो ये सब पैरेलली सब पूरी तरह से सभी कार्य एक साथ चलते ही रहते हैं, और उसके साथ साथ ये मिशन तो टेक्नोलॉजी अचीवमेंट है, जो सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद उसमें से जो डेटा आता है उसका जो सही उपयोग करना है एप्लीकेशन, तो
और साइंस, तो उसके बारे में भी कार्य चलता रहता है। तो इस तरह से तकनीकी और विज्ञान और उसके संशोधनों को लेकर उसके उपयोग, तो वो सबका कार्य निरंतर इसरो में अलग अलग ग्रुप हमारे जो हैं, अलग अलग टीम हैं, वो सब करते ही रहते हैं। तो इस तरह से ये तो एक मिशन अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, अभी पूरी तरह से ख़त्म हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते चंद्रयान का। उसकी जैसा मैंने बताया 14 दिनों बाद हम देखेंगे कि और भी कुछ उसमें से हासिल कर पाते कि नहीं। बट साथ साथ में अन्य जो मैंने वो बताए विषय डोमेन्स, उसमें भी कार्य चल ही रहा है। तो जैसे गगनयान का जो एक कार्य चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कुछ सालों पहले कि हम आदमी को अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे, तो उसका कार्य भी चल रहा है। तो उसकी जो टेस्ट व्हीकल है फर्स्ट, तो उसका पहला जो टेस्ट व्हीकल का टेस्टिंग अभी हम कुछ ही निकट भविष्य में करेंगे, तो वो एक बड़ी खबर होगी सबके लिए, देश के लिए, कि एक उसका एक पहला चरण हम पूरा कर देंगे गगनयान के बारे में। उसके बाद 3-4 और चरण हमको पार करने हैं, उसके बाद हम आदमी को भेज पाएंगे। तो उस दिशा में अच्छी तरह से प्रगतिपूर्वक कार्य चल रहा है, तो उसके भी देश को जानकारी मिलेगी कुछ ही समय बाद। तो ये तो एक हुआ, उसके साथ साथ हमारे नेविगेशन प्रोग्राम और कम्युनिकेशन के सैटेलाइट भी चलते रहते हैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए, तो वो भी कार्य चल ही रहे हैं। उसके साथ साथ रिमोट सेंसिंग के मिशन तो हमेशा चलते ही रहते हैं हमारे, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की कार्यवाही चलती ही रहती है। और ये मिशन सभी पैरेलल चलते रहेंगे और चलते रहे हैं। तो और उसके बाद जो नेक्स्ट लॉन्च हो सकता है वो जो हमारा वेदर सेटेलाइट है इनसेट 3DS, तो वो अक्टूबर नवंबर में उसकी भी काफ़ी संभावना है कि उसको भी हम प्रक्षेपित कर पाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे मिशन पाइपलाइन में हैं, कौन सा पहले शुरू हो जाएगा या शुरू प्रक्षेपण होगा वो अभी कह पाना मुश्किल है, डिपेंडिंग ऑन हमारी जो लॉन्च पैड पे अलग अलग कार्य चल रहे हैं श्रीहरिकोटा में भी और अलग अन्य सेंटरों में भी। तो जो पहले पूर्ण होगा उसका पहले प्रक्षेपण कर दिया जाएगा। सर, अगला सवाल कि आदित्य L1 जो है वो लॉन्च किया है सफलतापूर्वक हमने, तो अभी क्या उसकी सिचुएशन है, क्योंकि पहुंचेगा तो 4 महीने बाद 127। हाँ, तो अब जैसा कि आपको पता ही है कि जब हमने 2 सितंबर को उसका प्रक्षेपण किया तो उसको ट्रांजिशन ऑर्बिट में रखा था 235/19,000 किलोमीटर रफली। तो उसके बाद उसका जो पहला अर्थबर्न है वो भी नेक्स्ट डे हो गया था 3 सितंबर को। तो उसके बाद उसका ऑर्बिट अभी अगेन हमने बढ़ाया है। तो इस तरह से उसका ऑर्बिट बढ़ाते हुए 4 या 5 अर्थबर्न करने के बाद उसको सूर्य की ओर रवाना किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि लैग्रेंजे पॉइंट L1 पे उसको जाना है, जो कि यहाँ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, और जो कि सूर्य का डिस्टेंस देखे तो वो तो 1500 लाख किलोमीटर है। उसमें हम 15 लाख किलोमीटर मीन 1% ही उसका जाएंगे, L1 पॉइंट तक जाते जाते हम खाली 1% ही कवर करेंगे सूर्य की दूरी का। उसके बाद हम वहाँ उसको हेलो ऑर्बिट में प्रक्षेपित करेंगे, सो वो फिर बाद में वहाँ से कॉन्स्टेंटली सूर्य की ओर देखता रहेगा और सूर्य के बारे में अलग प्रकार के जो प्रशिक्षण है वो करता रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करता रहेगा, और वो डेटा हमको यहाँ पृथ्वी पे मिलता रहेगा नेक्स्ट 5 सालों तक। तो ये मिशन की महत्ता है। और उससे उसके जो 7 इंस्ट्रूमेंट है, 7 उस पर जो सेंसर्स पेलोड लगे हैं वो अलग अलग डोमेन्स में अपना कार्य करते रहेंगे, और 7ों से हमको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो हम सब पूरी उत्सुकता के साथ उस दिन की राह देख रहे हैं जब 127 दिन बाद उसको हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट करेंगे, जो बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन होगा क्योंकि आज तक हमने कभी ये किया नहीं है। तो उसको उसका जो ऑर्बिट है वो भी एक विचित्र प्रकार का ऑर्बिट है जिसमें इंसर्ट करना इतनी आसान बात नहीं है, बट हमको पूरी आशा है कि हमारे अभी तक के जो चंद्रयान मंगलयान के अनुभव के आधार पर हम ये कोशिश करेंगे और इसमें सफलता भी हासिल अवश्य करेंगे। और उसके साथ ही ये सूर्य मिशन हमारे लिए अगेन एक हमारे अन्य पहले के जो प्लेनेटरी मिशन है उसी तरह एक मिसाल बन के आगे रहेगा, जिससे हमको काफ़ी महत्वपूर्ण साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण खोज के लिए डेटा मिलता रहेगा। और उसके बाद जो सूर्य को समझना इतना कठिन है
उसके बारे में और भी जानकारी हम प्राप्त कर पाएंगे। और सर चंद्रयान 3 के ऊपर हम लोगों ने जैसे देखा कि सल्फर के भी कुछ अंश मिले हैं, ऑक्सीजन भी मिला है, तो आप लोगों ने क्या क्या ज्यादा ऑब्जर्व किया कि क्या क्या है वहाँ पे, लोगों के रहने के लिए टेम्परेचर कितना है उसके बारे में? तो चंद्रयान 3 मिशन जैसा कि मैंने बताया अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है, और हमने कल यानी कि 3 सितंबर सायंकाल तक उसको दोनों लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में रख दिया है, यानी कि उसको स्थिर मोड में रख के उसको 14 दिन बाद हम प्रयास करेंगे कि दोनों को रिवाइव करके आगे कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए, खोज कर पाए, तो उसके बारे में हम प्रयत्न करेंगे। और जहाँ तक जैसा कि आपने पूछा कि क्या हासिल हुआ अभी तक, तो जैसा कि 3 मुख्य उद्देश्य के बारे में तो मैंने बता दिया आपको कि सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, उसके बाद रोवर प्रज्ञान चंद्र की सतह पर घूमने लगा, और उसके बाद जो वैज्ञानिक प्रशिक्षण करने थे हमको वो भी अच्छी तरह से किए गए। तो उसमें मैं जस्ट थोड़ा और बताना चाहूँगा उसके बारे में कि जो वैज्ञानिक परीक्षण हुए उसमें लैंडर के जो 4 पेलोड थे तो चारों ने बहुत अच्छी तरह कार्य किया। जो रंभा पेलोड है उसने वहाँ के जो प्लाज्मा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की माहिती हमको बहुत डेटा कलेक्ट किया है, उसी तरह से जो सीज्मिक एक्टिविटी वहाँ के जो जैसे पृथ्वी पे अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, उस तरफ चंद्र की सतह पर भी जो सतही वेरिएशन दिखा गया है भूकंप जैसा, तो उसके बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो सीज्मिक सेंसर था यूनो सीज्मिक सेंसर ने कलेक्ट किया है। और चैस्टेक के बारे में तो आपको पता ही है कि किस तरह से +50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चंद्र की सतह से लेके अंदर जमीन तक टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, तो उसके बारे में काफ़ी डेटा कलेक्ट किया है। और चौथा जो नासा का जो लेज़र रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे था जिससे कि हमको पता लगेगा कि इस चंद्र और पृथ्वी के बीच की दूरी में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, कि जैसे कि चंद्र हमसे दूर जा रहा है प्रति वर्ष लगभग 1.5 इंच जैसा, तो उसकी पुष्टि ये हो पाएगी जो इसका जो डेटा कलेक्ट कर रहा है नासा, यहाँ से लेज़र फेंक के वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, उसके ऊपर से दूरी मापने के बाद हमको उसका टाइम डिले नापने के बाद उससे दूरी नापी जाएगी, और उससे ये पता लगेगा कि जो हम देख रहे थे इक्वेटर पे विषुवत वृत्त पे चंद्र के वही फिनोमिना साउथ पोल पे दिखती है कि नहीं। और जो रोवर के 2 मुख्य पेलोड थे लिप्स और APXX, तो उसने भी अच्छी तरह से कार्य किया है और काफ़ी डेटा साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किया है, तो वो भी हम पूरा डेटा यहाँ पे हम आर्काइव कर पाए हैं, और उसका अभी आगे विश्लेषण होता रहेगा। और जैसा कि प्रिलिमिनरी जो संशोधन हुए हैं उसके मुताबिक सल्फर के बारे में हमको काफ़ी जो उसके स्पेक्ट्रोस्कोपी से जानकारी मिली है कि सल्फर प्रोमिनेंट मात्रा में दिखा है, तो जो पहले उतना पता नहीं लग रहा था, सल्फर तो था ये पता था बट सल्फर प्रोमिनेंटली दिख रहा है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइन जो है, तो ये दोनों सेंसर ने पुष्टि कर दी है APXS और लिप्स ने, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। उसकी आगे विश्लेषण करने के बाद हम और आगे बता पाएंगे। ऑक्सीजन के जो ट्रेसिस मिले उसको लेकर के भी काफ़ी उत्सुकता है। उसके बाद किस तरह से वहाँ के जो क्रेटर के रिम पे अगर फ्रोजन आइस, और उसके बारे में भी जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है ये 2 सेंसर द्वारा, तो उसके आगे उसका विश्लेषण करके और भी कुछ हम बता पाएंगे। तो कुल मिला के भविष्य में चंद्र पर स्पेस कॉलोनी और उसके बारे में आगे कुछ हो सकता है कि नहीं, क्या संभावनाएं हैं, और किस तरह से हम पानी वहाँ पे पैदा कर पाएंगे, तो ये जो भी पहले हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल मिला था पिछले मिशनों के द्वारा, और इस बार सल्फर और अगेन ऑक्सीजन ट्रेसेस और उसके बारे में जो जानकारी मिली, तो वो सब कुल मिला के जो उसके केमिकल मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन और अन्य जो मिनरल्स और पदार्थों के बारे में पता लगा है उसको लेकर के वहाँ पे क्या प्रोसेसिंग करके हम पानी के बारे में आगे पता लगा पाएंगे, और जिसके कारण स्पेस कॉलोनी या मैन हैबिटेट के लिए संभावना हो पाएगी, तो ये सब आगे के विश्लेषण के विषय जो ये डेटा से हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और क्योंकि ये जो प्रशिक्षण हुए सब साउथ पोल पे हुए पहली बार विश्व में कि ऐसा हुआ है, तो ये भी एक बहुत ही रोचक पहलू है हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट का, तो उससे भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। और भविष्य में कई और मिशन अभी हमको ऐसा है कि
साउथ पोल की ओर जाएंगे, तो उससे आगे के रिसर्च करने के लिए भी कुछ एक वे मिलेगा हमको, कि एक दिशा मिलेगी कि कैसे आगे खोज करनी है जिससे कि हम स्पेस हैबिटेट या स्पेस कॉलोनी चंद्र पे बना पाएंगे या बनाने की संभावना हो पाएगी कभी, तो उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने के लिए एक मार्ग खुलेगा। तो ये सब उसके पॉजिटिव फॉलआउट से ये मिशन के। और इसके अलावा जहाँ तक हमारे लैंडर और रोवर की स्थिति है, तो कुल मिला के हम रोवर ने अपनी सेंचुरी पूरी कर दी है चलने की, जो डिस्टेंस उसे ट्रैवल किया तो एक लगभग 104 मीटर के करीब पूरा अभी तक चला है ये लास्ट 10-12 दिनों में। और इफ हम उसको और रिवाइव कर पाए 14 दिनों बाद, तो और भी उसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसी हमारी आशा है। उसके अलावा जो लैंडर में काफ़ी फ्यूल बचा था, आपको पता है कि लगभग 60 किलो से भी ज़्यादा, तो उसका उपयोग करके हमने वो रैंप थोड़ा विड्रॉ करके लैंडर को उसी जगह पे थोड़ा ऊपर किया था दो इंजन फायर करके। तो कल वो एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक किया था इसरो के वैज्ञानिकों ने, कि उसको थोड़ा सा लिफ्ट करके इंजन फायर करके और फिर से वापस वही जगह पे नीचे वापस रखा था, लगभग 10-15 सेंटीमीटर ऊपर उसको ले गए थे, ऊंचा किया था उसको, सो दैट फ्यूचर में अगर 14 दिनों बाद अगर मौका मिला तो, क्योंकि इसमें 3-4 किलो फ्यूल गया होगा, उसमें स्पेंड हुआ होगा, तो उसके बाद जब 14-15 दिनों बाद हम फिर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि उसको पूरा जितना फ्यूल है उसका उपयोग करते हैं उसको ऊपर उठा के उसको कहीं और जगह पे लैंड करा पाए, तो लगभग से कि 20-25 मीटर या 100 मीटर तक हम उसको आगे बढ़ा पाए लिफ्ट करा के, तो कोई और जगह पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो ये एक संभावना बन सकती है। अभी इसके बारे में ठोस रूप से हम कह नहीं सकते, बट इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट कल किया गया था कि उसको ऊपर उठा के हम कहीं इधर उधर और मूवमेंट करा पाते हैं कि नहीं, बट ये सब डिपेंड रहेगा उसकी हालत क्या है 14 दिनों बाद। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है कि उसको हम फिर से ऊपर उठा के कहीं और लैंड करा पाए, जो आज तक किसी ने अभी तक किया नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही हमारे लिए एक चुनौती भरी और एक जिसको कहते हैं एक बहुत ही आकर्षक एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है ये मिशन का फ्यूचर के लिए 14 दिनों बाद। और रोवर जैसे कि मैंने बताया 104 मीटर तक चला है, अभी लैंडर से करीब 16-18 मीटर दूर खड़ा है वो, और वहीं वो जगह पे स्थिर रहेगा नेक्स्ट 14-15 दिनों के लिए, और उसके बाद हम उसको रिवाइव करा के और भी मूवमेंट उसका कराने का प्रयत्न करेंगे। तो कुल तरह से बहुत ही संभावनाएं मिशन से पैदा हुई है, जैसे कि मैंने बताया अन्य जो खोज हुई है वो तो है ही, उसके अलावा इस प्रकार के अन्य टेक्निकल एक्सपेरिमेंट जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्सपेरिमेंट है वो भी करने की गुंजाइश अगर हो पाती है 14 दिनों बाद, तो पूरी तरह से मिशन काफ़ी सफल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत तो है ही, बट उसके साथ साथ पूरे देशवासियों की जो शुभेच्छा थी, शुभकामनाएं थी, दुआएं लोगों ने दी थी, उसने भी काम किया है और उसके कारण हम इतना अच्छा कार्य मिशन में कर पाए।